हमेशा जो हम लोग स्थिति चिंताजनक है। एवरेज से 58% कम बारिश पूरे राज्य में हुआ, और आप जानते हैं कि खेती का समय 15 मई से 15 अगस्त तक हुआ है। ऐसे में तकरीबन 2.5 महीने का समय 3 महीने से गुजर गया। मौसम विशेषज्ञों से जब जानकारी वैज्ञानिक से ली गई तो उन्होंने अधिकांश जिले में अगले सप्ताह अच्छे बारिश के आसार बताए, लेकिन परिस्थितियां भिन्न भी हो सकती हैं। ऐसे में जो हाई लेवल की मीटिंग 24 जिला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और सभी सक्षम पदाधिकारियों के साथ हमारे विभाग के विभागीय सचिव सिद्धिक जी, रजिस्ट्रार कॉपरेटिव श्री मृत्युंजय भरमाल जी, और इस को मॉनिटर कर रहे श्री प्रदीप हजारे जी, हम सब ने मिलकर जब स्थिति का आकलन किया तो पाया कि जो रुपाई का काम है वो एवरेज तो 10% के भी आंकड़ा को ढील दिया। 20 तारीख बाद नहीं किया जा सका। पाकुड़ में 1.6% रुपाई हुई है और पलामू में स्थिति बद से बदतर है। इस सब को लेकर विभाग संवेदनशील है और उसको लेकर सभी जिला से वैकल्पिक उपाय करने को कहा गया। कंटीजेंसी एक्शन प्लान के बारे में डायरेक्ट से पत्राचार किया गया है। कुछ जिलों ने वर्कफोर्स दिया है, कुछ ने अपने प्रतिवेदन जल्दी से देने की बात आज के मीटिंग में कही है। लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेशन के जो फसल है और उसके बजाय शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के फसल पर प्राथमिकता फोकस करने को कहा गया है और तद अनुरूप डिमांड और सप्लाई की बातें की गई। हमने किसानों को राहत देने के लिए ऐसे समय में झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जो आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों 16-17 17-18 18-19